यूपी के गांव में जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पा लेती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। यदि आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, ये चमत्कारिक घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव घेरागढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई घेरागढ़ के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान मनीष जी के साथ। मनीष जी करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और मनीष जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा डर गया और तुरंत ही वहाँ से जल्दी से घर की ओर भागा। मनीष इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो ये कोई बहुत मूल्यवान चीज है और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि यही अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब मनीष हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से मनीष ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने मनीष से बदला लेने की ठानी, परंतु मनी चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर मनीष को जैसे ही मनी मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहा था। और मनीष को भी पता था कि ये सब उस चमत्कारी नाग मणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। मनीष के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता मनीष के लिए उसके पास ही के गाँव से आया और मीरा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह सम्पन्न हुआ। मीरा अपने पति मनीष को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दिनेश नाम से मनीष के यहाँ उसका मुंशी बन गया और मनीष का विश्वास जीतने लगा। मनीष भी दिनेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा था। एक दिन मीरा अपने पति मनीष के पास आती है और बता
बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन मनीष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी दिनेश के पास गया और बोला कि देखो दिनेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम दोनों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दिनेश को कार में बैठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे, तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया और मनीष को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। मनीष बताता है कि जब भी उसके साथ कोई भी बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। मनीष आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण मनीष तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही रात थी। दिनेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। मनीष दिनेश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि दिनेश पुनः नागिन में बदल गया था। वो नागिन मनीष को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इसी स्थिति में फंसी थी जब मनीष ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का सही मौका है। मनीष घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने मनीष का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और मीरा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब मनीष हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया, उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख कर फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस से घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपके इस घटना के बारे में क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।